আছে আর বহুত 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 হ্যাপি আছে কালি যেটো মই জয়পুর আহি পালো হি আর এতিয়া রাতিপা 7:30টা বাজিছে আপোনালোকক রুমটো দেখাইছিলু কালি আজি আপোনালোকক মই বাহির ভিউটো দেখাও বলো বহুত ধুনিয়া ভিউ হয় সো ইয়ার পুরা ইয়ে এইখানে হাউ ভিউটো চাও কি জয়পুর চাও কি ইয়ার পুরা পুরা गुटे प्राय सिटी तो देखा पाए कि देखा पाए तो नजान सब पिने घर 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 विशेष इतने गस गसन मैं देखा ना और सौसन घर बार मजद स्पेस इन कम स्पेस नाये पारि गस गसन नाये पूरा सब पिने घर हेटे आसल गरम तो बेसि गरम मान बता कौरपा गस गसन नाये होने एकदम सब पिने घर কিন্তু বিল্ডিং পুরো এটা কথা মন কইছো পিঙ্ক সিটি বলি কয় কিন্তু গুটে বিল্ডিং পুরো দেখুন হোয়াইট হিরো হয় না মই পিঙ্ক হবো বলি ভাবিছিল কিন্তু সব পিনে হোয়াইট 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 সব ঘর বসে আসুন হোয়াইটে বেশি পাবো আপনাদেরকে আর আর এটা কথা মন কইছো ঘর বড় না ছত তো বহুত ডাঙর ডাঙর দিছে হেই বান্দর সক ইয়াতেও বান্দর আহে রাতি পাতে পা হেই পিনে এক্সা বান্দর কেটা তাকো ডাক ডুক থকা बहुत ठंडा मान मैं मातुले ना एक फिफ्थ फ्लोर न तले जा फिफ्थ फ्लोर आसो तले जा बार है इन अक बार मैंने कन्फारेन्स हल मैं इनका ड्रेस पिंधि लिया रेस्टुरेंट खोलने और सोमाते देखिल दुकान सो ये पीछे चाह लगे फार्ष्टे पेट पूजा कर लो पेट पूजा तो जीत मेन है बोलकसन आज चाउंगे आज ब्रेकफास्ट कि आसे रातिपा उठी जैसे इमानगाल बस्तु देखा जाए ना और बेलेगे आराम बनाए दिए खूब भल लगे खाए मैं सदा तो रातिपा निजे बनबगे लगे न जो ब्रेकफास्टर होटेल थको जी बुफेट लगे न मैं ये बहुत बेसि भल पाँ एकदम भेराइटी थके पुरी आब्जी आडली आोसा आमलेट आोहा आम और सब आ मनते ना कि बॉयल एग पेनकेक्स जी विचार तक आज फ्रूट्स खाल फार्ष्टे जीत रात बेसि हेवी खाले दिन तो आको घूरी फुरी लगे लगते आमलेट खाल सो खाना खी टेस्टी आसे और बुफेट तो भल आ होटेल भरते एन इतने शॉप आसे भैया आपके यहाँ क्या क्या मिलता है ये 100 रुपीज की है 100 रुपीज की अच्छा सब होटल में भी बहुत सस्ता अच्छा। कानों के भी 100 रुपीज के दुपट्टे देखे 200 के अच्छा कुर्तीज वगैरह भी हमारे पास जयपुर की स्पेशल कुर्तीज 400 रुपीज अच्छा बैंगल्स जयपुरी बैंगल्स लाख के फ्रिज मैग्नेट भी है ये चोकर्स भी है बहुत सुंदर सुंदर इनक्लिप है ये अच्छा ये इनक्लिप है ये ब्रेसलेट है दीदी पूरे हाँ ब्रेसलेट तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये कितने का है ये ग्रीन वाला ये दीदी 300 का कोई सा भी ले लो ब्रेसलेट 300 का हम लोग सब सीजन में 650 का बेचते हैं अब सब 300-300 रुपए का सेल में अच्छा अभी तो पैसा भी लेके नहीं है भैया हमको तो पता ही नहीं दुकान है यहाँ पर यहाँ पर भी मतलब ये होगा हाँ आप लोगों का नाम क्या है मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है मेरी शॉप का नाम है श्री साई यस क्राफ्ट अच्छा और आपका इकराम इकराम हेलो हम आएंगे नेक्स्ट फिर खाने के लिए अभी पता चल गया ना आप यहाँ पर शॉप भी है तो कल सुबह मैं कुछ खरीद के जाऊंगी शेयर ठीक है आते हैं हम जयपुर घूम के आते हैं हम और रेडी होलो एटिया और ये तो पिंक सिटी हट करना पिंक कलर सलवार पहनी सो और मैं अपने को भाल के देखा गई पे ऊल्ई रेडी हलो
सैंडल एजुए पिंधु सबसे कम्फर्टेबल एजुए आसने दिन तो जीत घूर लगे यार दुपट्टा एन से मैं अपना गई लो देखा मैं देर से एक बोले चाहे खबर इनके बोले तो मैं जाओ इतना बाकी इन डांगर मिरर एन आज भले है चाहिए निजे होटेल तलर जी एंट्रेंस बहुत क्या सीटिंग एरेंजमेंट आज बहुत धुनिया है साफा है जी होटेल तार नाम से लेमन ट्री प्रीमियर और आम जी रूम आते कस्टिंग पड़े अलमोस्ट 8000 कारण आम मेक माई ट्रिपर पर बुक करूँ अक चेंजेस हो थे प्राइजेस फ्लक्चुएट करके उथ आम ब्रेकफास्ट करूँ जो अपना जयपुर आए इतने थको पे बहुत धुनिया नीट एंड क्लीन और मैं सेंटर प्लेस है जो जो अपने घूरबले प्रब्लेम नपाय सब जिस स्टाफ तेल बहुत बेस भल है इतने इतना वेट करूँ कारण इतना यार मैं होटेल हेरी बुक करब बुक कर फुल आम गोटेखी एक दिन में घूर दी कैसे जीत कल उदयपुर जा एक दिन में घूर दु गोटेखी और इतना हवा महल क्या कभी चाल जा मैं कई जाता ऊल् बहि आसो कैब आम यार एम्बियंस तो बहुत बेसि धुनिया है देखा से मैं अपना भिडिओ कर बहिर बहुत बेसि बहुत बेसि गरम मैं नजान मैं गोटे घूरीम भाईसोह घूरब पाने ना ठीक ना कारण बहुत बेसि गरम मैं आम टलरेट कर इन बेसि गरम मानने तथा उपाय तो ना आता तो चाह लगे सोने मैं बहरे ऊल्ज गाड़ी ना बोलो बहरे ऊल् ना जाऊँ अक शांति बहि न जा इतने पूरा सेन्ट्रेल ए सी आसे जीतु इतने बहि आसिया गर्मी बहुत ज्यादा है ना गर्मी बहुत ज्यादा तभी तो पहले वही जा रहे हैं ऑप्शन भी तो नहीं है यहाँ तो और कोई ऑप्शन नहीं है हिरोक तुम्हें मुक रोड साइड है बहाई दिला मुक्की दिले पर तुम उठ दिया तुम आप इन्हें रोड पे ले हो बाबू पिने रोड पे ले मुक चेंज कोई दिवा ले बाबू मनोले मैं यहाँ तक खोला पूरी जब अभी जा बोले से इतने आमिर फोर्ट आमिर ना आमिर फोर्ट आमिर फोर्ट आमिर फोर्ट अजमेर तो अजमेर पुष्कर तो आप कल जा सकते हो वहाँ दरगाह है अच्छा और एक है पुष्कर के अंदर मतलब कैमल राइडिंग होती है कैमल राइडिंग हाँ और यहाँ पर होती है एलिफेंट राइडिंग अच्छा ये जो गेट है ना हाँ। उसका नाम है चांद बोल गेट हाँ जो जयपुर है वो हाँ। फर्स्ट वेल प्लान सिटी है इंडिया की अच्छा और जो चंडीगढ़ है वो नया है वही मैं चोज रही थी ये पिंक सिटी बोलता है लेकिन बिल्डिंग सब व्हाइट है नहीं ये पिंक है ये जो ओल्ड सिटी है ना हाँ इसको पिंक सिटी बोलते हैं अच्छा जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं हाँ, वही तो इसीलिए लेकिन हमारे होटल के वहाँ से मतलब ऊपर से देखने में सब व्हाइट लगता है वो न्यू जयपुर है ना अच्छा वो न्यू जयपुर ये जो गेट है ना हाँ जो गेट के अंदर सिटी है उसको ओल्ड सिटी बोलते हैं ओल्ड सिटी को पिंक सिटी बोलते हैं अच्छा वो पता नहीं था आमार जीजन ड्राइवर आसे आम जी कैब आम होटेल बुक कर गोटे दिन मानने आठ घंटार दुहजार टका लैसे और सकोबूर भल्ड बुझा गई कि कत क्य विख्या सकोबूर और हिस्ट्रीबूर सकोबूर जेगार हिस्ट्रीबूर भल कई गई और यह से ओल्ड जयपुर मैं भाई आसो ह्विट कलर आसे सब तो कि जी ओल्ड जयपुर है सकोबूर पिंक कलर आसे बिल्डिंग पूरा हेरीटेज बिल्डिंग आसे एकदम स्ट्राक्चारबूर जो आसे आर्किटेक्चारबूर सब पुरनी दिन आसे कारण बिल्डिंग बहुत दिन आगे बनवा आसते कल्ड जयपुर मानने पिंक सिटी गुलाबी नगरी और तारगते गोटे सिटी खन कत कि बुझा गई और यहखिनिते आरो एखन लार्जेस्ट वाल आसे जिखन वर्ल्डर भितर थार्ड लार्जेस्ट वाल है और एटु पहाड़िया रास्ता गोटे ऊपर उठी जा लगे कारण आम गई आमिर फोर्ट और इतना मैं बहि लैस आगफाले और हजबेन्डक पिछफाले बहुवा दी कारण मैं धुनिया के रेकर्डिंग जाते अपनालोको देखा पारो मैं ये ट्रिप तो जिम्मान पारो गोटेखिनि कभार करिबले चेष्टा करिछो जाते अपनालोके मोर लगत अलपमान होले जयपुर खन साबो पारे और बुझी पाए कोन कि आसे यहां पर अच्छी कचौड़िया मिलती है ना वो खिलवाएगा हां वो आप पहले बोले नहीं एक्चुअली वहाँ पर रावत कचौड़ी वाला है यहाँ पर कचौड़ी का नाश्ता होता है मॉर्निंग में हाँ प्याज की कचौड़ी नहीं वो
मैंने सुना तो है चाट वगैरह कचौड़ी वगैरह हाँ। बहुत ही अच्छा मिला हाँ। और एक मतलब दोपहर को एक प्रॉपर राजस्थानी थाली खाना है मुझे, आप जो भी अच्छा हाँ, है। यहाँ पर चौकी धानी कितने दूर में लगती है? चौकी धानी दूर है, बहुत दूर है ना, बहुत दूर। और उसमें कोई मतलब भी नहीं है इतना ज्यादा। चौकी धानी जाओ वहाँ से मतलब अपनी होटल से करीबन 25 किलोमीटर दूर। ये जी फोर्ट ले आम गई आसो आमेर फोर्ट यू बहुत बेसि डांगर फोर्ट है और ये जी फोर्ट है ताते जोधा अकबर बहुत एकदम माने ओरिजिनल जोधा अकबर बहुत पहाड़ माजे माजे रास्ता तो है जीत ऊपर उठि जा लगे और इतने बहुत कौन मुविरो शूटिंग मूल कह गई बहुत कौन मुवि जने के पद्मावत जोधा अकबर तार पे बहुत क्या मुवि शूटिंग और इडे सडे बागान भेली जी फुल है इते बेसिभाग बगान भेली फुले अपना पा जा कारण यू बेस पानी सानी नागे ये धुनिया के फुल रास्ता काकते फुली आसे और रास्ता तो खूब धुनिया है और ये रास्ता सीधा सीधी गले अपना दिल्ली पा आम इहा मानने प्राय दसटामान बजिशे और प्राय एगारटा बारटामान बजा बहुत बेसि गरम हो गए और तीन चार मजदूर कब ना मैंने जी टाइम जाए सीमान बेसि गरम हो जाए और प्राय 40 डिग्री मान आसे बहुत बेसि गरम आसे और मे जून जुलाई मान आसलते बहुत बेसि गरम पड़े एकदम पिक हो जाए मानुबूर घर पर नोल रात प्राय बारटा आगते कम तरपत एकदम घर गई सोमायगे और दुकान सुकानों सब बंध थके क्या मैं स्कूल सिस्कुलों पूरा बंध थके दुमाह तीन माह कारण बहुत बेसि गरम थके समय जयपुर और मैं भाँ अपना जयपुर फुरी है तेने प्राय मानने जानवर फेब्रुआर डिसेम्बर जानवर फेब्रुआर मानत आस्ट टाइम है आम गई अलमान बेसि गरम पाल और तार पिछत आम एजन गाइडो ललो जी आमेर फोर्ट तो बहुत बेसि डांगर है गोटे जेगाबूर कत कि क्यों विख्यात कि सकोबूर बुझा कौन लगे आम जी निजे गम नपाँ गाइड एजन आम इंपाई ललो और गोटेखिन देखाले ड्राइवर जन जी गाड़ी रखी थकिले और आम गोटे धुनिया के भल्क सब बुझा दिले यू मेन आमेर फोर्ट और इते बहुत सुरसुरा दुकानी थके रास्ता काफते रही थके जने के छाती हक टूपी हक सब बेच पे मोर छाती तो विराट बेसि भल लगे राजस्थानी छाती तो और फोटो शूटर कारण भल है मैं 100 टका दी एट राजस्थानी छाती कल एपिने सबपिने पहाड़ आसे और पहाड़ मजद फोर्ट तो बना गई है बहुत बेसि डांगर है गोटे तो घूरबले आसलते भरी विषा जब इमान बेसि डांगर है ये जी फोर्ट आसे तारगते रजा और एक पुखुरी बनाय आर्टिफिशियल जाते पुखुरी जी हाथी घोड़ा आसे सभी पानी खा खा पे और देखने खूब धुनिया लगे सीनेरी तो ये जी फोर्ट आसे ये गोटे सीनेरीटे बहुत बेसि धुनिया अफिश है इतना केबिन आगर केबिन चाक केबिन चाक मूल बुझा इतना जी मानने कलर कर डिजाइन कराते जी कलर यूज कर नेचुरल कलर यूज करके गोल्डेन कलर तो कारण सून यूज करल सून सोने कलर जो ना किसान अकान गवर्नमेंटे ठीक करा कि प्रायभग कलरे सेम एज इट इज आसे जने प्रथम बनाते हैं ब्लू कलर कारण क्या नेचुरल ब्लू कलर यूज कर आम जी स्टेपे ऊपर एमहल दुमहलको गई कि गसबूर माटित लगा निचिन के लगे आसार मते इते पहाड़ तो कटि दिया ना जाए पहाड़ जने के पहाड़ तो एढलिया टाइप थके राजमहल तो एढलिया टाइप बना से कारण किसान जगत माटि माटि आसने गस गसनबूर इते गजि जाए पहले मैं बता देता हूँ फिर आप फोटो बता दीजिएगा।
तीसरे पार्ट में अपन ने एंट्री ले ली और ये वाला जो एरिया कहलाता है दीवानी खास, और दीवानी खास के पार्ट में आम पब्लिक का एंट्रेंस अलाउ नहीं था। आम पब्लिक का क्राइटिक एरिया वाली दीवानी आम तक जगह कहलाती है शीश महल, दीवानी खास, विंटर पैलेस और जयमन के चारों एक ही बिल्डिंग के नाम है। जयसिंह जी ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया तो जयसिंह के ही रेस्पेक्ट में इस बिल्डिंग को जय मंदिर कहते हैं। छोटे छोटे ये जो मिरर्स है ये कॉन्वेक्स मिरर है जो उस जमाने में अपने इंडिया में तो थे नहीं, तो इनको बेल्जियम कंट्री से इंपोर्ट किया गया और वैल्यू के बराबर स्टोन को वहाँ पर लिया। तो बाटन सिस्टम प्रैक्टिस का लेन देन चलते रहता है क्योंकि यहाँ का स्टोन ज़्यादा फेमस है। दीवानी खास की खासियत है सेंटर के अंदर आप एक कैंडल लगते हैं, चारों रूम भी राजा ने बनाए, एक रानी के लिए इधर रूम है तो दूसरी रानी के लिए दूसरा रूम बना बंद है। 2005 के बाद में बंद कर दिया गया, क्यों कर दिया गया बताइए? पब्लिक गिलासों को निकाल निकल के लेके जाने लगे, हाँ छोटे छोटे उसको, उसके बाद में बैन ही कर दिया, बंद नहीं जा सकते। गिलासों का जो फिक्सिंग का काम है दोबारा से भी किया गया लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा किस जगह पर, तो ये आप देख सकते। अब आप यहाँ फोटो वगैरह लीजिए, बाकी मैं डिटेल बाद में बताता हूँ, है ना। এইখিনি হৈছে দিৱানী খাস মানে শীশ মহল। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ন ৰেলিং লগাই দিছে, ইয়াৰ পৰা মানুহে গ্লাছ উলিয়াই উলিয়াই লৈ গৈছিলে আৰু বহুতকেইটা ৰুম বন্ধ কৰি দিছে কাৰণ মানুহে ফুৰিবলৈ আহি পেলাই গ্লাছ উলিয়াই লৈ যায়। মই ভাবিয়ে নাপাওঁ গ্লাছখিনি লৈ গৈ কি কৰিব, ইমান দিনৰ পুৰণা হেৰিটেজ প্ৰপাৰ্টি ইয়াৰ পৰা মানুহে গ্লাছ লৈ কি কামটো কৰিব নাজানো। আৰু সেইটো কাৰণে বহুতখিনি জেগা ইয়াৰে বন্ধ কৰি থৈছে, ৰাণীৰ ৰুম তেনেকৈ কিবা কিবি জেগা তেওঁলোকে মানে গভৰ্ণমেণ্টে আজিকালি ক্লজ কৰি দিছে। আৰু লগতে এইখিনি জেগা যিহেতু গ্লাছ শ্লাছ লৈ যায় সেইটো কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে গাৰ্ডো দেখা পাব। আৰু ইয়াৰ এই যিখিনি ৰেলিং আছে তাৰ ছাইডত যাব নিদিয়ে বা ৱালখনো ভালকৈ চুব নিদিয়ে কাৰণ যিহেতু আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহবোৰে তেনেকুৱা বহুত কৰিছে, সেইটো কাৰণে এতিয়া এইবোৰ চব ক্লজ কৰি দিছে। আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে এডাল কেণ্ডেল জ্বলাই দিয়ে চব পিনে যিহেতু চিচা আছে সেইটো কাৰণে গোটেই কেণ্ডেলবোৰত ধুনীয়াকৈ একদম জ্বলি জ্বলি উঠে, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে, ৰাতিটো আৰু বেছি ভাল লাগিব। এনেকৈ হয় ইমান টেকন'লজি ইউজ কৰিছিলে ন মানে ৰজাই ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিবলৈ, তাৰপিছত বতাহ আহিবলৈ, ধুনীয়া ধুনীয়া লেক বনাইছিলে আৰ্টিফিচিয়েল, বহুত কিবাকিবি কৰিছিলে কিন্তু ভাগৰ লাগিছে। ৰ'দটো বহুত বেছি ৰ'দ আছে, গৰম আছে কিন্তু টলৰেট কৰিব পাৰি, ফুৰিব আহিছোঁ যেতিয়াতো উপায় নাই ঘূৰিটো যাব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমি গৰমত হ'লেও এনজয় কৰিছোঁ, মানে অকণো ৰিগ্ৰেট ফিল কৰা নাই আৰু দেই, পূৰা একদম এনজয় কৰি ঘূৰিছোঁ। আৰু পূৰা শুনি শুনি কৈছোঁ, গোটেইখিনিতো দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব, সকলোকে চাওঁগৈ। বহুত মুভি শ্বুট ইয়াতে হৈছিলে, যোদ্ধা আকবৰৰ শ্বুটিঙো ইয়াতে হৈছিলে, পদ্মাৱতী শ্বুটিঙো, লাষ্ট মণিকাঞ্চনা সেইখনো। এইটো এটা পাট্টা ফয় ৰাণীকেনে বনাইছে, অপেন পাট্টা ফয়, ৰাণীকেনে মানে 12গৰাকী ঘৈণীয়েক আছিলে আৰু এইটো ডাঙৰগৰাকীৰ কাৰণে স্পেচিয়েল, সদায় প্ৰথম যদি সদায় স্পেচিয়েল হৈছে কাৰণে ডাঙৰগৰাকীৰ কাৰণে অকল বাট্টাপ আছে, বাকীখিনি ৰুমত বাট্টাপ নাই। আৰু ইজনীয়ে ৰজা আজি কোনটো ৰুমত গৈছে মানে গম নাপায়, মানে বাকীকেইজনী 12জনীয়ে তেনেকুৱা চিষ্টেমত বনাইছে, কেনেকুৱা মাথা ইউজ কৰিছিলে। এইটো কেৰাহীটো চাওক, এইটোত যদি খানা বনাবলৈ হয় মানুহো বনাই দিব পাৰিব, ইয়াতে তাকো চাৰিটা পাঁচটামান মানুহ বনাই দিব পাৰিব। ये खाना बनाने के लिए नहीं, ये मूवी के लिए बनाए थे जोधा अकबर के लिए। अच्छा, ये मूवी के लिए ऐश्वर्या को बुकिंग करते बताया गया था। हाँ, दिखाया गया था सीन। ये इसको गिफ्ट कर दिया फिर। अब फ्री में कोई चीज दो तो कोई भी रख लेगा लेकिन ये पुराना वाला, ये ओरिजिनल नहीं है, मतलब तो इन्हें जोधा अकबरों करने। আমিৰ ফৰ্টৰ পৰা আমি এখন জয়পুৰৰ যিখন গভৰ্ণমেণ্ট দোকান থাকে তাতে গৈছিলোঁ, তাতে তেওঁলোকৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টবোৰ কিবাকিবি চালোঁ, বস্তুও কিনিলোঁ, সেইখনত কিন্তু ৰেকৰ্ডিং কৰিব নিদিলে সেইটো কাৰণে মই ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'ল। কিন্তু কি কি কিনিলোঁ কি কিনা সেইখিনি মই আপোনালোকক পিছত দেখুৱাই দিম। আৰু তাৰপিছত আমি আহিলোঁ জলমহল, আৰু জলমহল যেতিয়া আমি পাইছিলোঁগৈ তেতিয়া প্ৰায় 2:30 বাজিছিলে আৰু সেইটো সময়ত গৰমটো মানে একদম এক্সট্ৰিম লেভেলত আছিলে, বহুত বেছি গৰম আছিলে, পাৱাৰটো মানে 100 পাৱাৰ চলি আছিলে, তেতিয়া গা জ্বলি গৈছিলে, ৰখি থাকিব নোৱাৰি। আৰু এই যিটো জলমহল হয় সেইটো ডাইৰেক্টলি যাব নোৱাৰি যিহেতু পানীৰ মাজত আছে, সেইটো কাৰণে তাতে ডাইৰেক্টলি যাব নোৱাৰি, ৰাস্তাৰ কাষৰ পৰাই চাব লাগে। এইটো এটা মানে ৰজাৰ আপোনালোকৰ ফাৰ্ম হাউচ বুলি ক'ব পাৰি, যেতিয়া বহুত বেছি গৰম থাকে মানে জুন জুলাই মানত তেতিয়া ৰজা ৰাণী ইয়াতে আহি পেলাই থাকিছিলে এই মহলটোত, কাৰণ ইয়াতে চাৰিওফালে পানী আছে আৰু পানীৰ পৰা মানে বতাহ মাৰিব, একদম এয়াৰ কুলাৰ নিচিনা কাম কৰিব। কিমান কি প্লেনিং আছিলে ৰজাৰ, ৰজাই কিমান কি ভাবিছিলে চাওকচোন, কিমান ধুনীয়া এটা তেওঁলোকে তেওঁ ফাৰ্ম হাউচ বনাইছিলে। সব পিনে মার্কেট বহি আছে,
गोटे मार्केट ते फोटो उठा पारे राजस्थानी कपड़ पिंधि पे सबे फोटो क्लिक राजस्थानी कपड़ पिंधि पे फोटो उठा पारे डांगोर हेरी बजार जुटी खारू क्या कभी ढेर इन बेसि रोड न एक मैं चाहे इन मन जा इन्हें गोटेख बजार आए मैं छाती तो लैस तक चाँ छाती अवस्था तो एक पिने चिली गल मैं टुपी एट लग लगे अंशु कारण चाँ अलग देरक हेरी लम जलमहल तो चालू पिछफाले देखे ना गरम आस बहुत बेसि गरम इतना टलरेट कर टाइम हो जाए इं विशेष एक ना मात्र जलमहल तो हेरी तो आ गरम लगे बढ़िया गरम लगे इतना मे जून इतने बहुत गरम हो जाए तो रजा रानी इते थे ना यही पे रहते थे ना दो महीने तक पूरा नेचुरल हवा की मतलब लुप्स उठाते थे एयर कंडीशन उस जमाने में तो एसी नहीं होता था बिजली भी नहीं होती हाँ वही तो बिजली भी नहीं होती तो कितना मतलब दिमाग यूज किया है लग्जरी लाइफ हाँ उस जमाने में ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं था नेचुरल लग्जरी भाई लेकिन उस जमाने में आम आदमी आराम नहीं करता था यही लोग करते थे हाँ। अब इसके बाद में वो पल्लू चाचा की शूज दिखाएंगे आपको या जी अकल कैब ड्राइवर थके सबते पेक थके मैं गाइड हक दुकान हक तो एने किसान जगह लग पे जो अपने प्रयोजन नए ना जाओ कब पे जलमहल चुना पिछत आम एन प्रपार राजस्थानी थाली खालू तार भिडिओ मैं अपना पिछत शेयर करम राजस्थानी जी फूड ब्लग हम ताते शेयर करम और खा खाई हर पिछत आम पालू इतना हवा महल चाले हवा महल तो एकदम रास्तार काशते आदम लगे रास्तार लगत और गोटे वाल तो देखिए देखी से बहुत बेसि धुनिया है एन एन वाल है तार पिछफाले कहर महल ना एन वाल रखी पे रानी आगते चाइसे मैं जीतुक डायरेक्टलि चार अनुमति ना ये वाल खिड़की देखा पा जो सौ जाली लगवा और सही जाल जरिए चाई मैं मुखन ऊलार अनुमति ना कि बेसि नियम आानी तो सैया वाल बना दी जाते रानी सको जेगा चाह पे भल्ड और क्या कभी नियम आशेष भल्के नजान मैं कि तार फटो दुखान मान उठिल खूब मानने रोड आ बिना मतलब के पैसे लगते तो दुख होता है हाँ। ये वापस अपन पिंक सिटी में आ गए इसके पीछे कुछ भी नहीं है ना पीछे प्लेन दीवार है प्लेन दीवार ये विदाउट फाउंडेशन का एक वॉल है अच्छा समझ गया आप हाँ। जो, जो जो आगे का भाग है ना हाँ। वो ही अट्रैक्टिव है मास्क पहनना पड़ेगा क्या हाँ मास्क पहनना है द पिंक सिटी बंधु अकल आज ब्लग तो मैं इते शिकल ब्लग तो अलरेडी बहुत बेसि दीघल हो गल और कटि कटि बनबले जिमान चेस्ा करकमान दीघल हो जाए और दिन तो बाकी भाग देखा मैं अपना नेक्स्ट ब्लगत कारण ना ब्लग तो और बेसि दीघल हो जा गोटे दिन तो किल देखा गोले सो आशा करूँ अपना भिडिओ चाय भल पाले मोर जयपुर घूरी भल पाले नेक्स्ट ब्लग तो सोकाले मैं आपलोड कर चेस्ा करोलोर जब यू ब्लग चाय भल लगिले नेक्स्ट ब्लगब चाहिए नपहर सो आज ब्लग तो इते शिकल जो भल लगिल लाइक शेयर कमेंट कर नपहर जो मोर चेनेल प्रथम बार आज प्लीज मोर चेनेल तो सब्सक्राइब कर लो तलब थका बेल बटन तो हिट कर थो जाते मैं बनवा सको भिडियो नोटिफिकेशन आपनलोगे सकोतको सोकाले पाए सो आज भिडियो इते शिकलो नतुन भिडियो सोकाले अपना मजल घूरी आम कि आजिका बाय बाय थैंक यू फॉर वाचिंग।